Cheyenne Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So, today we are going to cover an important topic which is Goa's liberation struggle, and it was in news and it is very important for your SSP.

ओके okay, 1962 में गोवा को लिब्रेट कराया गया पोर्टीज रूल से और ये कब हुआ पंद्रह साल बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली गोवा जो है वो इंडिपेंडेंट इंडमीडिएटली ना हो पाया और जो इसकी इंडिपेंडेंस थी वो वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स की वजह से लेट हुई है आप गोवा की लोकेशन को मैप में देख सकते हो वीडियो को पॉज करके सी गोवा को बेसिकली लिबरेट किया गया था 19 दिसंबर 1961 में और इसी दिन इसका स्टेट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और ये कैसे हुआ ये इंडियन मिलिट्री एक्शन के बाद जो है गोवा को लिबरेट कराया गया आफ्टर टू डेज़ अब टाइमलाइन की बात कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ गोवा इनटू इंडियन यूनियन से जो रिलेशन है इंडिया और पॉर्टुगल के बीच में वो फ्रेंडली थे 1947 तक

इस प्रोविंस की तरह उसके बाद ये मूव तब आया जब जो ये हैं गोवा को एज अ पार्ट ऑफ नाटो बनाना चाह रहे थे नाटो की मिलिट्री अलायंस उनका इंटेंशन ये था कि कलेक्टिवली सिक्योर करना क्लॉज ऑफ ट्रीटी को इन द इवेंट ऑफ एन अटैक बाय इंडिया 1955 में दो नेशन ने कट ऑफ कर लिए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को अ क्राइसिस ट्रिगर हो गया और जो प्रिसिपेट हुआ किसके बाद लिबरेशन ऑफ गोवा जब इंडियन मिलिट्री फोर्सेस ने गोवा को लिबरेट कराया और पोर्टुगीज का रूल को एंड कराया ओवर इंडियन एनक्लेव इन 1961। 1961 में आफ्टर द फेलियर ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स विद द पोटुगेज इंडिया की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय और एनेक्स किया टर्मन एन एंड गोवा को विद द इंडियन मेन लैंड और ये कब हुआ उन्नीस दिसंबर को इसके बाद जो है 451 फिफ्टी ईयर ऑफ पोर्टुगीज ओवरसीज प्रोविंशियल गवर्नेंस जो थी गोवा में वो एंड हुई हिस्ट्री की बात करें गोवा के फ्रीडम मूवमेंट की गोवा एक पोर्टुगीज कॉलोनी बनी थी 1510 में जब एडमायरल एफेजो दे एल्पर्को ने डिफीट किया था फोर्सेस ऑफ सुल्तान ऑफ बीजेपुर यूसुफ अदिल आदिल, आदिल शाह को उसके बाद ट्वेंटी सेंचुरी में गोवा ने स्टार्ट किया विटनेस करना एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो अपोज करते थे पोर्टुगीज की कॉलोनियल रूल को और उसी के सिंक में एंटी ब्रिटिश नेशनलिस्ट मूवमेंट आई इंडिया में जो स्टैल वॉज सच ट्रिस्टा दे ब्रैंका कुन्हा उन्होंने सेलिब्रेट उन उन्होंने uh, जिसको सेलिब्रेट किया जाता था एज अ फादर ऑफ गोवा नेशनलिज्म उन्होंने फाउंड किया था गोवा नेशनल कांग्रेस को एट कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921 ट्वेंटी वन उन्नीस सौ छियालीस में सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया उन्होंने एक हिस्टोरिक रैली को लेड किया था गोवा में जिसके बाद एक सिविल लिबर्टी और फ्रीडम मिली और इवेंचुअली इंटीग्रेशन हुआ इंडिया के साथ जो एक वाटरशेड मोमेंट बना गोवा की फ्रीडम स्ट्रगल में उसी टाइम पे एक थिंकिंग थी कि जो सिविल लिबर्टीज है वो नहीं जी सक जीती जा सकती पीसफुल मेथड से एक एग्रेसिव आर्म स्ट्रगल की ज़रूरत है और उसके बाद जो है क्या हुआ ये किसका व्यू था आज़ाद गोमथक दल का इंडिया जो है इंडिपेंडेंस की तरफ मूव हुआ और ये ज़्यादा क्लियर हुआ कि गोवा जो है वो फ्री नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर जैसे पार्टीशन का ड्रामा जो एक्सपीरियंस था वॉर विद पाकिस्तान इंडिया ने इंडिया चाहता था कि वो एक पीस अबाइडिंग नेशन खुद

उसके बाद जो डिक्टोमीज थे ग्रुप जो फ़ाइट कर रहे थे सत्याग्रह के लिए मतलब जो लोग फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे थे उसकी वजह से भी दिले हुआ लिब्रेशन ऑफ गोवा में जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो एम्फोसिस करता है पावर ऑफ ट्रूथ और सर्च ऑफ ट्रूथ को इन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर ये कॉज ट्रू है तो स्ट्रगल जो है वो इनजस्टिस के अगेंस्ट है और फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है फ़ाइट करने के लिए ऑपरेशस के साथ सो क्या क्या सेलियन फीचर्स है गोवा की जोग्राफी की उसकी बात कर लेते हैं देखो गोवा लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में विद रीजन नोन एज कॉन्कन और जोग्राफिकली सेपरेटेड है फ्रॉम द डेकन हाईलैंड बाई वेस्टर्न गार्ड इसकी कैपिटल पांच जी है ऑफिशियल लैंग्वेज कॉनकनी है जो कि वन ऑफ द ट्विटी सेकेंड लैंग्वेज है एथ स्केड्यूल में से बॉर्डर ये सराउंड करता है खुद को महाराष्ट्र के साथ नॉर्थ से कर्नाटका के साथ ईस्ट से एंड साउथ से अरेबियन सी के साथ वेस्टर्न कोस्ट से अगर इसकी जोग्राफी की बात करें इसका हाईएस्ट पॉइंट है गोवा का सन सोगर गोवा सेवन मेजर रिवर गोवा में सेवन मेजर रिवर है जुआरी मंदोवी थेरेकोल चपोरा गलगी बाग कंबरजुआ कैनाल, तलपोना एंसल जो मोस्ट ऑफ द गोवा की सॉइल है वो बनी है लेटराइट से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो है गोवा में वो है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोटियागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलम नेशनल पार्क सो गाइज़ दैट वॉज ऑल आई होप यू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट डू लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब आई यूट्यूब चैनल एस एस सक्सेस थैंक यू गाइज़